फाइनली नमस्कार, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था मैं निकल चुका हूँ बाइक से, एंड आप लोग देख रहे होंगे मैं अभी कानपुर गंगा नदी गंगा पुल क्रॉस किया है और नेपाल की तरफ बढ़नी बॉर्डर बुटवल की तरफ बढ़ रहा हूँ। सारे पर्टिकुलर्स मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैं अभी यहाँ पर रुका हूँ, लखनऊ के आगे आ गया हूँ और आप लोगों को जैसा बता रहे थे कि बढ़नी बॉर्डर से एंटर होना है, बढ़नी बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं मगर बढ़नी बॉर्डर से अब नहीं एंटर कर रहे हैं बिकॉज रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बॉर्डर बंद हो जाती है। सो अभी लखनऊ में है, 4:30 हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये बॉर्डर खुली रहे इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं, गोरखपुर में हम लोग थोड़ा सा रात में आराम करेंगे, चिल मारेंगे और फिर कल सुबह डायरेक्ट काठमांडू के लिए निकलेंगे। सो डे 1 बाइकिंग का, आज बॉर्डर क्रॉस नहीं हो पा रहा है जैसा सोचा था मगर कल ज़रूर होगा और आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी बज रहा है 11 और मैं पहुंच चुका हूं सहजनवा गोरखपुर में विपुंजय मिश्रा के साथ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और भैया के साथ एक झटका ये हो गया कि भैया को मैंने फोन पर बात की तो भैया को मैंने बताया था कि आइए कभी हवेली पे, तो भैया ने सोचा सही में कोई हवेली होगी तो यहाँ पे आके देखा कि हवेली में ही है, हवेली रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे थे हम। तो हम लोग हवेली में हैं एंड यहीं पर रुके हैं आज रात की, जैसा कि बढ़नी पर बढ़नी बॉर्डर से मुझे निकलना था। तो अब सीन ये है कि यहाँ से सोनौली बॉर्डर करीबन 2.5 घंटा है और रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बॉर्डर बंद रहती है नेपाल की, इसलिए अभी रात में हम लोग यहीं रुकेंगे गोरखपुर में और कल डायरेक्ट सफ़र शुरू करेंगे गोरखपुर से काठमांडू का। इनका चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर कॉमेडी कॉन्टेंट, बहुत ज़्यादा कॉमेडी रोस्टिंग ये सब आप लोगों को मिलेगी। मेरे चैनल का नाम है RIPUNJYMISHRA। यस, ये इधर दिया हुआ है, आप लोग इस हैंडल पे जा कर के देख सकते हैं। आपके दिमाग में क्या आया कि बाइक से चल पड़े? बाइक से ही तो फन है लाइफ का। यू फ्लाई ऑन द बाइक, रूड हैज ऑल द आंसर। यस, कार में वो मजा नहीं है। एक्चुअली मैड हनी के लिए जाने की सोची है। मैड हनी के लिए? हाँ, तो दूर, मतलब बाइक से आप बहुत अंदर तक जा सकते हो, बहुत दूर तक जा सकते हो। कितने दिन की आपकी ट्रिप है? देखो जब मन करेगा वापस आ जाएंगे। ये बढ़िया आंसर दोस्तों। ये है हवेली जहाँ पर रिपुंजा जी ने हम लोगों को रुकवाया है। हवेली, हवेली में बुलाया था भैया को। ये देखिए हवेली, ये है हवेली। मैं निकल चुका हूँ अभी गोरखपुर से और सोनौली बॉर्डर की तरफ, आपको मिलवाएं रिपुंजय से फिर से। प्रणाम एंड धन्यवाद आपको। अरे बिल्कुल भैया, आप जो है आपने इतना अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट कराया सारी चीज़ें, बस कॉफ़ी कुल्हड़ में मिली है सुबह सुबह गोरखपुर में। एंड आप बताइए कुछ व्यूअर्स से कहना चाहेंगे? आप लोग भी यहाँ विजिट करने आ सकते हैं और भैया के ब्लॉग्स को आप लगातार देखा करिए, आपको घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा और आप बैठे बैठे भी घूम सकते हैं। तो चलते हैं हम लोगों की नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, काठमांडू। तो मैं बढ़ रहा हूँ अभी रक्सौल बॉर्डर की तरफ और बिहार में हूँ और आप लोगों को दिखाएं, मैं पहली बार खुद बिहार आ रहा हूँ और ये देखिए मेरे पीछे बहुत प्यारा सा बिहार का नज़ारा है। काफ़ी सारे गांव भी हम लोग क्रॉस करके आए हैं, काफ़ी तेज़ हवा है तो शायद माइक में आप लोगों को हवा आ रही हो, बट यहाँ के नज़ारे देखिए बहुत प्यारा है।
मैं हूँ इस समय बिहार में। अभी आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ कि कैसे बिहार पहुँचा भाई के साथ। रजवाही नाम की जगह है, बहुत यूनिक सी चीज़ मुझे पता लगी कि रजवाही जो एरिया है इसको क्या हिंदी में बता रहे थे आप? दियरा। सो इसको, इस जगह को दियरा भी कहते हैं। और रजवाही जो जगह है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल खुले में बिक रहा है, तो जैसे हम लोगों के यूपी में होता नहीं है, और भी मैंने स्टेट्स में देखा नहीं, बट ये कह रहे हैं कि कुछ पेट्रोल पंप्स हैं आगे पीछे। पीछे कितने दूर है पेट्रोल पंप? 10 किलोमीटर पीछे, और इधर दस किलो। तो ऐसे रेडियस में 20 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोल पंप्स हैं। इलाका ज़्यादा डेवलप नहीं है, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर खुले में फ्यूल और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो कि बहुत अमेजिंग था। ये है एरिया, मेरी बाइक खड़ी हुई है। ये है एरिया, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं। भाई कह रहे थे कि ऐसे आप राइडिंग करोगे तो आपकी हालत ख़राब नहीं हो जाएगी, और हालत ख़राब भी हो रही है आपकी। आप लोगों को ये चीज़ एक चीज़ बताएं, भाई भी सुन लेंगे साथ में, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर लूँ, आप लोगों को बताना ही चाहिए। हुआ क्या कि पहले मुझको, जैसा कि बताया था इस वीडियो में, आप लोग शुरुआत में देख रहे होंगे कि हम लोग बढ़नी बॉर्डर की तरफ निकल रहे हैं, बट बढ़नी बॉर्डर 10 बजे बंद हो जाती है, नेपाल की बॉर्डर 10 बजे से 6 बजे तक। हम लोग बढ़नी की तरफ ना जा करके हम लोग सुनौली बॉर्डर ऑप्ट करा, और हम लोग गोरखपुर रुके। अब गोरखपुर में रुकने के बाद जब हम लोगों ने मैप चेक करा, तो दरअसल क्या है कि मैं ऐसे आपको बताता हूँ, अब गोरखपुर में हम लोग थे, तो गोरखपुर में जब हम लोगों ने मैप चेक करा, जाना था काठमांडू। अब सीन क्या है, ये है इंडिया, ये है नेपाल, इंडिया के जस्ट ऊपर। तो और हम लोग हैं यहाँ कहीं इंडिया में, और अपने को आना है इधर कहीं नेपाल। तो या तो हम लोग ऊपर आएँ, बढ़नी बॉर्डर यहाँ पड़ रही है, हम लोग ऊपर आएँ और हम लोग इधर जाने के लिए पहाड़ों में ट्रैवल करें, या तो हम लोग नीचे इंडिया की तरफ ट्रैवल करें बिहार की तरफ, जो कि है रक्सौल बॉर्डर, और फिर हम लोग ऊपर चले जाएँ काठमांडू के लिए, जिससे जिसमें हम लोगों का 2 से 3 घंटे बच रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी यही करते हैं कि अपन नीचे चलते हैं और बिहार से। और तीसरी चीज़, एक जो ट्रैवलर्स स्पिरिट मेरे अंदर ये आया, बहुत चूज़ करने का सोचा जा रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था मैं, और ये सोच रहा था कि किधर से जाया जाएगा, किधर से कैसे क्या करना है, तो कि बढ़नी सॉरी सुनहौली से आपको जाना है कि आपको रक्सौल से जाना है। तो एक बहुत प्यारा सा कोट मुझे याद आया कि आई टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन द वुड्स। तो ये मैं रक्सौल से आया भी नहीं था, बिहार भी एंटर करा नहीं था, तो मेरे लिए लेस ट्रैवल्ड बाय ही था। सो मैंने सोचा कि इधर से चलते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं रक्सौल बॉर्डर की तरफ, आप लोगों को दिखाएंगे बॉर्डर पे क्या है। हम लोग पहुंच गए हैं नेपाल, और ये बिहार से रक्सौल बॉर्डर है, जो कि आप लोग सामने देख रहे होंगे। ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सा गेट बनाया है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बंसार बनवाते हैं, फिर आप लोगों को आगे मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। मैं हूँ अभी रक्सौल बॉर्डर पे, भाई लोग हैं, और जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई भाई लोग आ गए, और इन्होंने बोला कि जो है आपका 150 रुपये इंडियन करेंसी में पर डे, और 200 रुपये नेपाली करेंसी में पर डे। यहाँ पर आगे भंसार ऑफिस है, यहाँ भंसार बन जाता है, तो 7 दिन का ही बन रहा है, 7 ही दिन का बनता है, कि ऊपर भी बन सकता है? ऊपर नहीं बनता है, 7 ही दिन का बनता है, 7 दिन का बनवाइए, उसके बाद काठमांडू एयरपोर्ट पे या किसी भी एयरपोर्ट पे आप एक्सटेंड करा सकते हैं काठमांडू में। यहाँ पर ये ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर मैं हूँ, ये देखिए, करेंसी एक्सचेंज के लिए ये सब जगहें हैं। और 500 के नोट का ये कुछ तो भी बता रहे हैं, तो ये है कि आपका जितना भी मैंने जैसे 5,000 रुपये लिए हैं, तो 5,000 का 8,000 हुआ, 1.6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 100 रुपये इन्होंने लिए हैं, तो 60 रुपये, सॉरी 1%।
का 2 बज रहा है और हम लोग अभी काठमांडू पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड हुए हैं और अभी होटल में हम लोगों ने चेक इन करा है। सो कल मिलते हैं, टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड। बाय।